ढागा टॉयलेट के जेट को भी ऐसे चलाया जाए, शावर चला रहा हो, किसी दिन वुमेन खून की होलियां ही हो जाएंगे एकदम इमरजेंसी में, पट्टी के भागना पड़ेगा हमें। अभी समय आ गया मेंटेनेंस ऑफिस पे नेगोशिएशन करने का, नेगोशिएशन नहीं उन्हें रियलिटी बताने का। मुझे पता है वाला कोई बता नहीं रहा है, वही बंदा है। ये 1.5 महीने पहले तो ये लोग शिफ्ट हुए हैं, हम लोग रह रहे हैं पिछले अगस्त से। ना तो हमारे कभी बराबर वाले को दिक्कत हुई, ना सामने वाले को, ना इसके ऊपर वाले की हमने कंप्लेन कर दी थी, क्योंकि पूरा दिन इसके इसमें ड्रिल मशीन, पूरा दिन इसका बच्चा रोता है, पूरा दिन इनके ऐसे पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन चल रही, तो उसकी वजह से पूरा बाथरूम कई बार तो पानी, ये इतना चिढ़ गया उस दिन से कि ये बस वेट कर रहा था कि ये दिन हमारे यहाँ कोई आए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल नोटिस दिया गया, लेकिन इसमें तो लिखा हुआ है 5,000 सिक्योरिटी में से कट जाएंगे बात। कहाँ फाइन ऑफ 5,000? अभी शाम की जो है टावर इंचार्ज के साथ मीटिंग फिक्स हो चुकी है, अपने आप ही कर ली वैसे हमने फिक्स, करना नहीं चाह रहा था मैं, क्या करनी पड़ेगी भाई। तो मेंटेनेंस ऑफिस में क्या हुआ, जब मैंने देखा ना एक एप्लीकेशन थी वहाँ टावर इंचार्ज की, हमें लगा कभी टावर इंचार्ज कोई दिक्कत हुई है उस दिन, पर ये भी याद था कि आया कोई और था। फिर जब मैंने वो एप्लीकेशन उठाई उसके नीचे एक कंजूस से पर्चे पे किसी ने देसी लिख के भेज रखा था जो टावर इंचार्ज था, उसने दोबारा हाँ सभी ने निवेदन है वाला, मगर कोई नहीं ब्रो, वी विल सी यू सून। शाम को कहना 5 लोगों में चाय पे बैठा लो इसे, ऊपर वाले को बुला गया। अगर कंप्लेन करी है टावर इंचार्ज ने ना उन्हें ना करे, तो फिर तो वही है कि क्रेतोस से भिड़ रही तुम गोड़ो फवार वाले, वही निकल गया होंगे। मैं तो कह रहा टावर इंचार्ज ऊपर लागे ना बाथरूम दिखा दिया हमारा, ये देखो बाथरूम में कितना, मतलब उसे कहेंगे ऊपर आ गए आप चेक करो एक बार, मतलब कितना नुकसान हुआ इसकी वजह से। ऊपर वाले अंकल तो हमारे पास फिर अंकल नहीं, इज्जत न जाए। अगर ऊपर वाले भैया हैं, ऊपर वाला अगर ऊपर वाला तो सबसे बड़ा शब्द है, तो फिर तो हमारे पास मोरल हाई ग्राउंड है, पर यार हमारे से ऊपर वो रह रहा तो हाई ग्राउंड। लुक भी मेरा खबीब जैसा आ रहा है, तुझे पता मैं क्या करूंगा उसका, आज तो इसमें हो जाएगा। नई अपडेट ये है कि मेरा गला खराब हो रहा है, पहला सिम्टम है जब मुझे जुकाम होता है, उसके बाद मुझे बुखार होता है। सो मैंने अभी मास्क लगा लिया कि किसी और को ना लगे। बाहर विकांशु भाई आगे अपनी रील्स की प्लानिंग कर रहे हैं, विकांशु भाई ने हमें गलत आदत लगा ली है कि हर रोज 30 सेकंड की एक रील डालो। तो मेरा फोकस अब मेरा मेन चैनल, मैं काफी टाइम से मेन चैनल को लेके चीजें मैनिफेस्ट करनी छोड़ रखी हैं, पर अब मैंने शुरू कर दी वापस। सो अभी मैं आइसोलेशन में हूँ वापस से उसी स्ट्रीट पर। अरे सेंटा क्या चाहिए बालक, बोलो यार कुछ तो गिफ्ट दो यार, कहीं 6,000 वाला तो नहीं मांग रहे बस कुछ भी मांग लेना वो ना दिला पाऊंगा। तुम्हें पता अभी हम कहाँ हैं, फैमिली से पूछ हम कहाँ हैं इस टाइम, हमें नोएडा की हमारी वाली फिल्म सिटी है हमारे लिए, रोड पे हम तभी आए हैं। वो बिल्कुल वैसा लग रहा, वो मेरे स्कूल में वो बना कर रहा था सेंटा, टॉफी बट्टा कर रहा था, वो टॉफी लेके चलेंगे आज फ्लैट में, टॉफी बट्टा क्या संतरे वाली गिफ्ट डिलीवर करते चलेगा। क्या क्या मंगाना है बता दो भैया कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल दो आपको सेंटा से क्या चाहिए, आप कोई विश मांगना चाहते हो या गिफ्ट ही मांगना चाहते हो आप, बिल्कुल हम आपको ऐसे पैक करके देंगे, या फिर मुझे मांगना चाहो ड्राइव करते हुए। आज हम दिखाने वाले हैं एक जानवर जो एक नर जो दिन में सोता है और रात में जागता है, ये नर सर्दी के मौसम में कंबल ओढ़कर दिन भर सोता है ताकि मादा को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। 5:53 यार, ये टाइम तो प्रोडक्टिव होने का है भाई, वीकनेस है। मुझे लगे थोड़ा बेचारी की तबीयत खराब हुआ है। अच्छा आज मैंने 2 घंटे तक बाल कटवाए और फर्क नहीं पता लग रहा इस टाइम। सच में कुछ लोग ये कंसर्न है कि जब से मैंने जॉब छोड़ी मैं व्लॉग में और भी आना कम हो गया। तो दूसरी जॉब तो नहीं करने लगा? मैंने एक 2 नंबर का काम शुरू करा इस फ्लैट से, और मैं उससे बहुत सारे पैसे कमा के और इन्हें फंसा के चला जाऊंगा। हाँ। लोग अभी समझ नहीं पा रहे तुमने कौन सी जॉब छोड़ी, गलत हो लगाए लोग। लेकिन भाई मैंने तो कॉर्पोरेट कभी छोड़ा ही नहीं सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसी वीडियोस आएंगी वो ऐसे नीचे कैमरा लगा के और हम लोग बात कर रहे होंगे और बहसबाजी छिड़ रही होगी सोसाइटी वालों से, बट कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैटर सॉर्ट हो गया। मैं और रचित गए थे बहुत एग्रेसिव वे में, हमने इतनी तगड़ी बात करी कि उन्होंने अपोलोजाइज कर दिया हमारे से, हमने हाथ ना चला के मुंह चलाने की कोशिश करी नहीं, हम टावर इंचार्ज के पास गए, वही जो फैमिली वालों के वो रहे कि तुम्हारी पहले भी कंप्लेंट आई थी हमने कोई एक्शन नहीं लिया, थोड़े एक्स्ट्रा करके बता रहे थे, लेकिन हमने भी थोड़ी लीनियंट वे में बात करी और सॉल्व कर लिया। मैं फाइन हट गया हमारे पास, फाइन हट गया भाई, 5,000 रुपए बच गए भाई, 5,000 रुपए बच गए। तो गोवा की ट्रिप थोड़ी दिक्कत मान रही, दिक्कत सी आ रही गोवा की ट्रिप में, हम सोच रहे थे इंडिगो की फ्लाइट लग ली थी वो हटली, कुछ लोग अभी कंफर्म नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा कि जितने लोग चल रहे उतने ही चल लो, देखो आई जस्ट डोंट केयर भाई, हमारे दोस्तों को हम लग रहा हम तो लिया काम है आप, और उन्हें बर्बाद कर रहे हैं, वैसे लग तो सही रहा उन्हें, पर उन्हें पता कैसे चला, उन्हें पता कहाँ चलेगी। इस बार
अक्षित ने और बॉलियन ने तो बिल्कुल डंके के चोट पे ही मना कर दिया। यूं कह रहे मगर भाई कोई मतलब कोई ऑप्शन है जैसे तुम आ कर सको, उनको कोई ऑप्शन नहीं। उन्हें ये भी कह दिया कि डेट बता दो अपने हिसाब से, तब भी नहीं मान। उन्हें तो यूं भी कह दिया 50,000 रुपए लेके चल लो। देखो छोटा लक्ष्य तैयार है जाने के लिए, तो चार लोग हैं तो तुम जा सको चाहो हमेशा, तो हर कोई अवेलेबल नहीं होने भाई। तीन तो हम हो ही है, लेकिन इनने भी एक हल्की सी कच्ची अमरूद जैसी बात मारी है। और कच्चा अमरूद कहना मिठा हो रहा है बड़े भाई। यार बात यो है, तुम दोनों की जगह कोई और दो आ जाते तो चार में मजा था। वही तो बात है, वही तो कहना चाह रहा हूँ ऑडियंस को, नए चेहरे देखने, नए चेहरे। अच्छा, मेरे तो साथ उनके फेस मास्क लगाए घूम लेंगे। देखो अगर ऐसा वेट करते रहोगे तो लाइफ में ब्रो कहीं नहीं जा पाओगे। डागे तो कुछ रख के बोल रहा तो भाई एक काम करो, इससे पहले एक बार गाड़ी सफेद बर्फ की तरफ को बढ़ रही है, फोर व्हीलर चले बर्फ में तो। और गम हम कौन सा स्कूटी पे जा रहे हैं? फोर बाई फोर कहना चाह रहा हूँ भाई। शाम को देना करा करो टोनिक पोनिक कुछ बोलने लगे। टायर पे चैन चढ़ाने पड़े भाई बर्फ पे चलाने। अरे बर्फ में गाड़ी गाड़ी तो रोक देंगे कहना, जहाँ से सफेद बर्फ शुरू हुई वहीं पार्क कर दी किसी के घर में। अब जागे थोड़ी तबीयत हुई है सही, थोड़ी अब तो पूरी सही होगी। या भाई आज बात नहीं मार रहे थे ऐसे ही झूठे, आज काम करने का मन नहीं था तो झूठ बोल दिया कि भैया मेरी तबीयत खराब है। नहीं यार ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मतलब गले में खराश हो गई थी, तबीयत भी खराब की बात नहीं है। अब सोच रहा थोड़ी देर में नीचे चला जाऊंगा, आज थोड़ा नीचे माहौल का स्वाद लेके आते हैं, देख के आते हैं नीचे आजकल सोसाइटी में मेरे पीछे मेरी पीठ पीछे चल गया रहा है। और निहाल ठाकुर बाहर मेरा वेट करते हुए रात को 12 बजे, इसीलिए तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। लेकिन बाहर भैया जो ठंड हो रही है आई कांट एक्सप्लेन। सो निहाल हम चाय पिए, रोल वोल खाएं या क्या करें, मतलब टेल मी। चाय पीने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। देखो भैया अभी तक भी जो मुझे लग रहा है NCR में मतलब सर्दी हो रही है, पर वो वाली कड़ाके वाली ठंडी। और आज का तो जो दिन था 21 दिसंबर, वो साल का सबसे छोटा दिन था, तो तुम सारे तो काफी रिलेट कर पा रहे होंगे छोटे दिन से। वही है दोज हु नो दोज हु डोंट, वही वाला मीम। आज मतलब ये मेरा सोने का टाइम है भाई। वो बात तो ठीक है, तुम्हारी कैप कहाँ है? लेकिन अब धीरे धीरे बाल बढ़ रहे हैं ना ब्रो, तो कैप जो है मैं रख दी है। आई डोंट वॉन्ट टू लुक लाइक जॉन सीना एनीमोर। वो मैं ज्यादा ही हैंडसम हो जा रहा था ना, तो पुलिस वालों को ऐसा लगे जैसे पूरा मार्केट बंद हो गया हो। लेकिन ये नहीं पता बड़े भाई कि नीचे पूरा खुला हुआ है। घूम फिर के वही चिकन ले लिया फ्लैट के लिए, क्योंकि यहाँ बैठ कर तो खाने की भैया हिम्मत होने रही, यहाँ बैठ के खाने के लिए चाहिए मर्दों वाली स्किन। यहाँ नॉर्मल गर्मी में आते तब यहाँ हवा ज्यादा लगाती। अरे हम फ्लैट से तो निकलते नहीं, निकल ले तो सीधा रात को 11 बजे निकल रहे। यहाँ बेसमेंट में ज्यादा हवा रहे। अच्छा यहाँ ऊपर भाई तुम सिविल इंजीनियर तो नहीं हो भाई, तुमने क्या कर रखा, तुम कोर्स बताओ क्या कर रखा? BFA देख रखे। BFA अच्छा। अरे यहाँ कोई स्टेडियम है, इतनी बड़ी लाइट लग रही है ऊपर रोड के लिए लगी हुई है। मैं क्या कह रहा घूम फिर के मैं योगी जी का प्रमोशन कर दूंगा यहाँ, और कुछ नहीं होने का। चौकी दिखा रहे हैं लगी हुई है ना एकदम। जैसे किसी के साथ क्राइम हो तो ये लाइट देख कर भाग पड़ो, अगर चोर पीछे हो, अगर किसी औरत के आंचल पे कोई हाथ लगाए तो भाग लो बस लाइट को देख के उसकी तरफ। बड़े भाई मेरी सोच तो यो है सब औरतों घर रहना चाहिए, ऐसी थी मेरी, अब है कि जो उनके मन में है वो करना चाहिए। या नहीं कब हुई है ये मेरी? अभी होगी 2 मिनट पहले, जैसे ही मैं देखा ना कि कैंसिलेशन भी हो सके यूट्यूब पे, तो मैं थोड़ा ओपन माइंडेड बन चुका हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो टॉयलेट के बोर्ड रहे ना, ये मुझे पहले लग रहा था यहाँ टॉयलेट है, ये बोर्ड है कि हमारे रेस्टोरेंट में टॉयलेट है, पर यूँ पता नहीं था कि हमें सब बंद जगह लगे रहे। टॉयलेट का क्या मतलब, ले सके किराए पे लेने हैं? रेंट अवेलेबल फॉर रेंट क्यों नहीं लिखा हुआ भाई? बड़े भाई ये जो कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में तुम्हारा देश मात खा गया, इसकी रेंट पे क्यों नहीं चढ़ रही? लोग इसे टॉयलेट समझ रहे हैं, हम उठ के जा रहे। जैसे पीछे वे लोग खाना खा के गए इतना सारा वो टेबल पे, जैसे लोग एकदम खा के उठे उठ गए, तो कितने रुपए में उनके खाने में मुंह मार लगा जाके, मतलब कुछ एक टुकड़ा लेके मुंह में डाल ले, कितने रुपए में? मैं नहीं करता। 10 लाख में नहीं, 50 लाख में मैं नहीं करने। मैं 10,000 में भी कर लूंगा। तू कर सके मैं नहीं कर सकता, तो वही साले नीच खानदान के। नहीं यार ये वाली बात नहीं है, मैं तुझे पैसे अर्निंग वाली बात बता रहा है कि एक आदमी इतना पागल हो जाए। सोशल मीडिया पे थोड़ी बताऊंगा, खा के पैसे रख लूंगा। मुझे पता था तू है, तू इतना गिरा हुआ आदमी है, तू खा लेगा। मैं तो मन की ले रहा था तेरे, तुमने कह दिया। ओहो हो इससे तो मुझे कुछ याद आया, नहीं इससे तेरा याद आया मुझे। कर दूंगा साफ टिश्यू पेपर से। मुझे यूथ पता क्यों पसंद नहीं है, मैं यूथ की माँ की पता क्यों बोलता हूँ, इसलिए। यूथ का डब्बा रख के चला गया भाई, टोट के हैं बड़े भाई रसगुल्ले के, खा लिए तो गैल हो लेगी पीछे हटने की नहीं। दिवाली में देखे जाता ना, मैं दूसरी जगह दे करूँ तो शादी के हवन में ही हटवानी पड़ेगी, पंडित जी को बड़े मंत्र मारने पड़ेंगे। बेटे रसगुल्ले से जो पीछे लगी ना, मीठे का जो टोटका होता है ना बड़े भाई, वो सबसे गंदा टोटका हुआ है। बात नहीं बता, ये पीछे सेंटर चल रही है, कितने प्यारे।
हाँ भाई हाँ। है, आ जाओ बस कोई नहीं, तू मुझे एक बार फ्लैट तक छोड़ दो, उसके बाद बताऊंगा रियलिटी तेरी और तेरी गाड़ी की। वो मैं चाहता नहीं तेरे मेरे बीच में डिस्प्यूट और मुझे पैदल जाना पड़े यहाँ से। तो मैं यूँ कह रहा था टोटका नमकीन का क्यों नहीं होता, मुझे भाई फले के घर पे नमकीन खा ली, भूत लग ली, हमारे पीछे हमारे घर का नाश हो गया। मुझे क्या पता दादाजी, यूँ ही क्यों कि भाई मिठा क्यों खा लिया था उनके घर पे, इसीलिए मैं किसी घर पे मिठा नहीं खाता। मैं बचपन में क्या हुआ, किसी घर पे एक दो औरतों ने मुझे मीठा खिलाने की कोशिश की, हलवा खिला दिया, कुछ खिला दिया। वैसे तो मेरे घर वालों ने मुझे बड़ा तेज बना दिया था, मैं मना कर दू था, लेकिन कोई जबरदस्ती अगर ऐसे खिलाई दे तो मैं मुंह में रख लू था, थूक दिया गुरु था। तो उसके बाद मेरी एक दो बार चटाई हुई, उसके बाद मैंने उन औरतों से जो डिफेंस करना सीखा ब्रो, उसके बाद तो मैं जो हूँ रिबेलियस हो गया था। मैंने कहा मीठा नहीं खाऊं चाहे मर जाऊं, वैसे ही मौत प्राप्त। मीठा खा के बाहर नहीं जाना चाहिए एकदम, क्या मीठा खा के रात को टाइम मतलब बाहर नहीं निकलते ऐसा तो मैंने सुना, पर ये नहीं कहा भाई। बहुत नीची सोच है यो, 2022 में सोच चल नहीं रही, 2023 आ गया। अब तो 2023 में तो ब्रो भूत उल्टे हो चुके हैं, लोग तो यूं हैं परफ्यूम ना लगाओ मीठा ना खाओ। भाई जो जो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता ना वो उसके पीछे ही भूत बता दे, ये भी बात है। ऐसे भी गिफ्ट तो कि जूते गिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि पता ना नाइकी के 10,000 लुटवा देगा अगर गिफ्ट कर देगा, सस्ती चीज को कोई मना नहीं करता। यूं क्यों नहीं कहता मिट्टी ना गिफ्ट करो, डले ना गिफ्ट करो। मैं अपने जीवन में अब एक और बदलाव भी चाह रहा हूं, अब से मैं डेली आउटिंग किया करूंगा थोड़ी थोड़ी देर। मैं अब नोएडा में कुछ नए दोस्त देख रहा हूं, इन्फ्लुएंसर नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर्स को बिल्कुल दोस्त नहीं बनाऊंगा। बहुत टाइम खाते हैं, ऊपर से कंटेंट चोरी कर लेते हैं, आइडिया चोरी कर लेते हैं, और उनका भी कंटेंट शूट कराओ फिर बड़े भाई, ठीक है ना। मैं अब चाह रहा हूं जेन्युइन लोग, पैसे वाले घरों से, जेन्युइन तो नहीं थे नहीं, पैसे वाले घर से भी जो मेरा खर्चा भी ना करवाएं, पैसे वाले हों और एक उनके पास अच्छे अच्छे सामान भी होंगे तो व्लॉग अच्छा बनेगा। तो अपने सारे एसेट्स और अपने जो है पापा की ITR ईमेल कर देना, तो मैं दोस्त बना रहा हूँ। अपना ITR भेजे पापा ने कितना बनाया था, या पापा की जॉब क्या है, ACP SSP। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह की। प्रिपेयरिंग आवर स्टूडेंट्स फॉर ग्लोबल सक्सेस, LPS ग्लोबल स्कूल नोएडा, तेरे बच्चों का एडमिशन इसी स्कूल में कराऊंगा। LPS ग्लोबल स्कूल, LPS ग्लोबल, अरे ये गोलू रो क्यों रहा है, इसको LPS ग्लोबल स्कूल जाना है। LPS ग्लोबल स्कूल, जी हाँ LPS ग्लोबल स्कूल, एडमिशन ओपन प्री नर्सरी टू 12। अरे ये गोलू रो क्यों रहा है, इसको पवन भाई की कुल्फी खानी है, पवन मटका कुल्फी। एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, ओह नाइस। यार मैंने रिसर्च करने को बोला था, तुम यार कहाँ घूम रहे हो, हो गई कहाँ घूम रहे हो यार, अभी अभी को मेल करना है। ऐसे एम्प्लॉई चाहिए मुझे जिनसे मैं ऐसा जवाब ले सकूं, मेल करनी है, ये साले बड़े घर के बालक ला रखे हैं। तुम एम्प्लॉई ढूंढो, मैं तो दोस्त ढूंढ रहा हूं। अरे मुन्ना को सैमसंग अल्ट्रा चाहिए, कौन सा कहा था मेले में जा रहे, ट्रैक्टर ट्रॉली खरीद के यार, मुझे बहुत अकेला अकेला फील हो रहा। तू अकेला ही था, अकेला ही है, तू अकेला ही फील होगा भाई। हम बाहर थे यार, तू अकेला ही था। मैं बाहर देख के आया यार, बहुत डिप्रेसिंग जीवन है तुम्हारा यहाँ। मैं बाहर रह रहा भाई, मैं भी खाना खा रहा है, मैं निकल रहा भी है, कल मिलेंगे, मेरे नए दोस्त बन गए हैं, मेरे बन गए बड़े भाई नए दोस्त, अमीरों के बच्चे। कहीं पे कुछ खाने चले गए, मतलब चाय बड़े भाई कर आया वो, क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहे ये लोग, ये लोग क्या कह रहे, मतलब तुम खाए नहीं, लेके आए हैं ब्रो, खा के भी आए हैं, लेके भी आए हैं, हम सोच के तो अपने ही आए थे। क्या लेके आए, वो जो तुम खा नहीं सकते, चिकन, चिकन और रुमाली रोटी। यार तुम तो सोच ही नहीं रहे, पर एक और चीज, पनीर का क्या होगा जिसने आज अपनी जान दी। एक और चीज ले गया उसका नंबर, कुछ और मंगाना मंगा लो। लेकिन मैं भाई वो नहीं ले पाया, क्या पप्पी उसका नंबर टूटा हुआ है, मुझे चाहिए 20 मिलियन भी आ जाए, मुझे नहीं चाहिए व्यूज, कच्चा लालच है, उसमें फंस गया। अगर वीडियो येलो होगी ना तो मैट्रिक्स से सारे निकल जाओगे, बल्कि मैट्रिक्स में फंस गया। अगर वीडियो येलो होगी ना एक दिन के लिए भी, येलो किस बात की, ये तो थोड़ा नहीं, वो तो यूट्यूब बताता ही नहीं किस बात की, शाम तू कर दे गिरी। यार इज नॉट आंसरेबल टू यू, मतलब लैपटॉप तोड़ा और वीडियो डिमोनेटाइज होगी ना, पैसे आए और व्यूज भी आ गए, उससे खराब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तुम्हारी वैल्यू बन चुकी है, 4 न्यूज चैनल में नाम आ गया तुम्हारा, किसको क्या करेगा, 4 में तो मेरे वैसे भी आ जाए कॉन्ट्रोवर्सी से, 8 में आ गया, ले कम पूछ लेना, 8 में आ गया, 8 में।